झारखंड में साल 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी होना है और विधानसभा चुनाव भी होना है, लिहाजा तमाम राजनीतिक दल हो या क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में भारतीय जनतंत्र मोर्चा की ओर से भी राजधानी रांची में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी। दादा, इसका क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए, उद्देश्य है कि 22 वर्षों में सभी दलों को जनता ने चांस दिया, सभी लोग राजनीति किए, लेकिन जस की तस स्थिति है, यहाँ की जो संपदा है उसकी लूट हुई और साथ साथ जो स्थिति पहले थी अलग राज्य बनने के बाद भी वही स्थिति है। भ्रष्टाचार का आलम आप जान रहे हैं, कोई महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है, तंत्र पूरी तरह से पंगु हो चुका है। और भ्रष्टाचार की बात तो छोड़े, आज स्थिति यह है कि लोग परेशान हैं, आज नौजवानों को नौकरी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि किस तरीके से हम एक नई धारा की शुरुआत करें, जो जनता, आम जनता परेशान है, उनके साथ हम उनका साथी बन करके और भारतीय जनतंत्र मोर्चा उनके कार्यों का निष्पादन कराएं और माननीय सरजू राय जी हमारे संरक्षक हैं, उनके गाइडलाइन में हम सभी काम करके आगे बढ़े। 2024 पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात करें, उसमें उसे लेकर क्या है, 14 सीटें क्या अभी हम 14 सीटों पर देख रहे हैं कि हमारे लोग जो हैं जहाँ जहाँ कार्य कर रहे हैं अलग अलग जिलों में, वहाँ कैसे हमारे प्रत्याशी आते हैं। मतलब लोकसभा क्षेत्र का नाम बताएं। देखिए, लोकसभा क्षेत्र तो हमारे अंदर में अभी 3 लोग हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी ये सब डिस्क्लोज नहीं करें, है ना, और जो देश हित में और हमारे समाज के हित में लोग ऐसे लोग होंगे उनको भी हम समर्थन दे सकते हैं। निकट भविष्य में डुमरी का बाय इलेक्शन होना, उसे लेकर कुछ तय हुआ? डुमरी जो जैसे इलेक्शन होगा होगा, उसमें हमारा कोई सहभागिता नहीं। राज्य में 2 गठबंधन है, एनडीए और यूपीए, आप किधर हैं? हम लोग अकेला हैं, तीसरी धारा हमारी है, दोनों, एक को सहारा लेना पड़ रहा 38 लोगों का, एक को सहारा लेना पड़ रहा 26 लोगों का, हमको किसी का सहारा नहीं, हमें जनता का सहारा। इतना कम समय में पार्टी संगठन मजबूत किए भी, छोटे हम जरूर हैं लेकिन बहुत मजबूत हैं, आत्मविश्वास है और हम जो है ना आत्मविश्वास का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फिर कुछ सोचा होगा ना कि अगर निकट भविष्य में किसके साथ आप जा सकते? नहीं, निकट भविष्य में जो देश की बात करेगा, जो राज्य की बात करेगा, जो जनहित की बात करेगा, उसी के साथ हम। सरयू राय जी ने एक थर्ड फ्रंट का गठन किया था, उस दिशा में ये थर्ड फ्रंट ही है, ये जो है थर्ड फ्रंट ही है, ये तीसरी धारा है सरयू राय की सोच को, और जनता जो है अलग तरीके से अभी देख रही है उनकी ओर, और उसको हमको कामयाब करना है और जनहित में जनता को जोड़ना है, जो उन्होंने बताया है संपर्क समस्या समाधान, उस मंत्र को लेकर जनता के बीच में रहना है और उनकी समस्याओं को उठाना है और जो भ्रष्ट तंत्र है उससे हमको सामना करना है। अभी मणिपुर में जो घटना उसको लेकर कुछ बातचीत? मणिपुर तो शर्मसार कर दिया पूरे देशवासियों को, वहाँ लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार बेकार सरकार है, इसलिए कि शर्मसार हैं हम सभी। और ये घटनाएं बंगाल में हो रही है, झारखंड में भी हो रही है, बड़ा दुखद है कि मुख्यमंत्री का भी होश आया है, अभी उन्होंने राष्ट्रपति को, महामहिम को उन्होंने पत्र लिखा है, जबकि यहाँ सैकड़ों आदिवासियों के साथ शोषण हुआ है और उनके इज्जत के साथ लोगों ने खिलवाड़ किया। ये थे धर्मेंद्र तिवारी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनतंत्र मोर्चा तीसरी धारा बन करके अपनी अलग राह, अपनी अलग पहचान बनाएगा। यहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है तो उसकी तैयारी पार्टी अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन किन सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी उसका डिस्क्लोज अभी करना मुनासिब नहीं है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ 22 स्कोप के लिए शहनवाज। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE NEET की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, Olympiads, KVPY and board exams. Tension नहीं लो, CSI आओ. Complete Solution Institute, near DPS School, behind Carnival Banquet Hall, Dip D Bypass Road, Ranchi.